ओम शांति। आज की तारीख है 21/8/22 और आज हम सुनेंगे अपने प्राण प्रिय अव्यक्त मूर्तधारी अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त ज्ञान मुरली। और ये रिवाइज कोर्स की मुरली है 2392 यानी 92 की मुरली है। और बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये मुरली शिवरात्रि के महापर्व के निमित्त मीठे मीठे बाप दादा ने हम बच्चों को सुनाई है। तो आइए सुनते हैं। महाशिवरात्रि मनाना अर्थात प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना, तीन बाबा ने बातें बता दी। प्रतिज्ञा करना, व्रत लेना और बलि चढ़ना। तो मीठे मीठे बाप दादा बोले, आज दिव्य महाज्योति बाप, दिव्य महाज्योति बाप अपने ज्योति बिंदु बच्चों से मिल रहे हैं। बाप दादा भी महान ज्योति हैं और आप बच्चे भी महान ज्योति स्वरूप हो। तो दिव्य ज्योति बाप दिव्य ज्योति आत्माओं से मिल रहे हैं। ये महान ज्योति कितनी प्यारी और कितनी न्यारी है। बाप दादा हरेक के मस्तक के बीच चमकती हुई ज्योति को देख रहे हैं। कितना दिव्य और प्यारा नज़ारा है, चमकते हुए रूहानी सितारों का कितना अच्छा संगठन देख रहे हैं। इस रूहानी ज्योतिर्मय सितारों का मंडल अलौकिक और अति सुंदर है। आप सभी भी इस दिव्य तारा मंडल में अपना चमकता हुआ बिंदु स्वरूप देख रहे हो। यही महाशिवरात्रि है। शिव ज्योति के साथ आप अनेक ज्योति बिंदु शालिग्राम हैं। बाप भी महान, बच्चे भी महान हैं, इसलिए महाशिवरात्रि गाई जा रही है। कितनी श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माएं हो जो चैतन्य साकार स्वरूप में शिव बाप के साथ शिवरात्रि मना रहे हो। ऐसे कभी संकल्प में स्वप्न में भी नहीं सोचते थे कि ऐसी अलौकिक शिवरात्रि मनाने वाले हम शालिग्राम आत्माएं हैं। आप सब चैतन्य रूप में मनाते हो और उसका ही यादगार अब भक्तों के द्वारा जड़ चित्र में भावना से मनाने का देख रहे हो। अच्छा, अब याद प्यार देते हुए बाप दादा बोले, ऐसे सर्वश्रेष्ठ सदा सिद्धि स्वरूप आत्माओं को, सदा दिव्य चमकते हुए सितारों को, सदा अभिमान और अपमान से न्यारे रहने वाले, स्वमान में स्थित रहने वाली आत्माओं को सदा श्रेष्ठ पुरुषार्थ और श्रेष्ठ सेवा के उमंग की, श्रेष्ठ आशाओं के दीपक जगाने वाली आत्माओं को सदा अपने दिल पर विजय का झंडा लहराने वाली शिवमयी शक्ति सेना को सदा पुरुषार्थ में सफलता सहज अनुभव करने वाले सफलता स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान सतगुरु बाबा का विशेषता के संस्कारों को
अपनी नेचर बनाए, साधारणता को समाप्त करने वाले मर जीवा भव। बाबा कहते हैं कि जैसे किसी की कोई भी नेचर होती है तो वो स्वतः ही अपना काम करती है, सोचना व करना नहीं पड़ता। ऐसे विशेषता के संस्कार भी नेचुरल बन जाए और नेचर बन जाए और हरेक के मुख से मन से यही निकले कि इस विशेष आत्मा की नेचर ही उसकी विशेषता है, इतना वो हमारे स्वभाव में ढल जाना चाहिए। साधारण कर्म की समाप्ति हो जाए तब कहेंगे मर जीवा, साधारणता से मर गए, विशेषता में जी रहे हैं, संकल्प में भी साधारणता न हो। माना जीते जी मरे और मर करके जी रहे हैं। स्लोगन है, समर्थ आत्मा वह है जो किसी न किसी विधि से व्यर्थ को समाप्त कर दे। अच्छा, ओम शांति।